ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उपकेंद्र की सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण पूरा प्रदेश और देश के निवासी बुरी तरह से पीड़ित हैं। किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, हत्याएं की जा रही हैं, किसानों पर गाड़ियां चला करके कुचला जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। तो हम लोगों को आगाह करने के लिए हमारा जो एक संपर्क अभियान चल रहा है, उसका सिर्फ उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बता करके पिछली आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार के टाइम में जो जन हित में कार्य हुए हैं उसका तुलनात्मक रूप से लोगों को बता रहे हैं कि पिछली सरकार में क्या सुविधाएं थी और मौजूदा सरकार में क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। मतलब लखीमपुर की जो घटना हुई है उसमें क्या जो सत्ता है उसका दंभ देखने को मिला है, क्या क्या लग रहा है आपको, जो स्थितियां हैं एक सैंपल सा है उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं, सैंपल छोटे मोटे तो रोज निकल रहे हैं ना। अब मनीष व्यापारी गोरखपुर में जाकर के उसकी हत्या हो रही है, कानपुर में पिता पुत्र और लड़के की हत्या हुई है और 2 माह के अंदर अंदर 16 हत्या हो चुकी है। ऐसा कमोबेश हर जिले में हत्याओं का सिलसिला, बलात्कार का सिलसिला, लूट खसोट का सिलसिला ये पूरी तरह से प्रदेश में फैल गया है और ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग इस सरकार की विदाई को समझते हुए अपनी कार्यशैली उस ढंग से अब कर रहे हैं कि ये सरकार कितने जल्दी गिर जाए। अधिकारी भी अब हाथ पैर अपने उठा लिए। एक बयान दिया था आपके अध्यक्ष जी ने कि हम सूची बना रहे हैं ऐसे अधिकारियों की। हाँ हाँ जी, वो तो बयान दिया है कि जो अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, रिश्वत खोरी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बन के तैयार लोग कर रहे हैं, उनका निर्देश हुआ है ताकि समय आने पर सरकार के आते ही उनसे हिसाब बराबर किए जा सके। आप पिछड़ों को लेकर के निकले हैं, कुछ मदद कर पाएंगे इनकी टिकट वितरण में, कितनी टिकटें दिलवा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे पिछड़े लोग जो पिछले भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव में गुमराह हो गए थे, कई राम मंदिर के नाम पर गुमराह हुए थे, कई हिंदू मुस्लिम की इतनी धार दी गई थी कि उसमें लोग वहाँ गुमराह हो गए थे, तो गुमराह होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, झूठ बोल करके नेताओं ने लोगों से वोट लिया था। तो अब लोगों को सजग और सावधान करने के लिए हम लोग ये बता रहे हैं, ये जन संदेश पहुंचा रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, न तो आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है, न आपको कहीं कुछ मिला है, उल्टा किसानों का जो 3 काले कानून बनाए गए हैं उससे कैसी खेती किसानी भी चौपट हो रही है, उनके हाथों से खेती भी जाने का एक डर पैदा हो गया है। इसलिए लोग बाग हर हालत में परिवर्तन चाहते हैं, हर हालत में सरकार को बदलना चाहते हैं, ऐसा संकल्प। परिवर्तन का चुनाव है, ये परिवर्तन का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग कटिबद्ध हो गए हैं। थैंक यू शेखर भाई। आज का संदेश है तो केवल पाल बघेल धनगर का, लेकिन सवाल सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, सभी वर्गों का है। तो क्या संदेश लेके आए हैं आप पाल समाज के लिए? हम संदेश लेकर के आए हैं कि देश का संविधान खतरे में डाला जा रहा है, गोडसे के वंशज दोबारा गांधी की विचारधारा को कुचलना चाहते हैं, गोडसे के वंशज दोबारा संविधान को कुचलना चाहते हैं और आपको गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवाद जब दोबारा आएगा, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर का समाजवाद दोबारा आएगा, कुर्बानी का समाजवाद आएगा, अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का समाजवाद आएगा, तब हम ये जो लखीमपुर की घटना हुई, क्या सत्ता के मत में बिल्कुल पागल हो गए हैं लोग? इसमें आपको समझना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री जब निरंकुश है, दुनिया में इतना ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोई खोज के आप बताइएगा, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, और कभी भी संवेदनाओं के नाम पे जो 10 महीने किसानों के उसमें नहीं गया हो, लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उन्हीं के राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल दिया तो उन्हें कल 2 शब्द नहीं मिले। ऐसा लगता है कि नागपुर की गुलामी पे उतर आए हैं, अडानी और अंबानी की गुलामी कर रहे हैं, और नागपुर की गुलामी अगर नहीं कर रहे होते और मनुष्य होते तो मनुष्यता के नाते
ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक कुत्ते के मरने पे भी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगी तो ट्वीट कर दिया, लेकिन इस देश में सैकड़ों किसान आंदोलन में मरे, कुचल कुचल के मार दिए गए, लेकिन इस देश के मुखिया को अभी वक्त नहीं मिला है किसानों के लिए। नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। जनसंदेश कार्यक्रम में पाल बघेल धनगर समाज का रैला, पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद श्रीराम पाल ने भाजपा सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से गूंजा मुरहास कन्हैया। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। समाजवादी पार्टी का पाल बघेल धनगर जनसंदेश कार्यक्रम में जिला सम्मेलन में पधारे पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद श्रीराम पाल व पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती जानकी पाल ने मुरहास कन्हैया पट्टी खुर्द स्थित बाबा मधुगिरी इंटर कॉलेज में अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चूंकि कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का है, इसलिए वक्ताओं की लंबी कतार में रिंकू कटियार, देवेंद्र सिंह यादव, सौरभ कटियार, आनंद यादव, उमेश यादव, रामानंद प्रजापति, किशन पाल, अनुज पाल, चंद्रेश राजपूत, विजय सिंह पाल, अमन पी दीप पाल, ओम पाल कटेरिया, उदय पाल और श्री रामचंद्र पाल, सुरेंद्र सिंह पाल, जेपी वर्मा और खासकर फुरकान शेख जैसे वक्ताओं ने समा बांध दिया। मुख्य अतिथि का लोगों ने, नेताओं ने व कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह व तलवार पकड़ी एवं 51 किलो की माला गले में डालकर भव्य स्वागत किया। जहां हजारों की संख्या में मौजूद पाल धनगर व बघेल समाज के लोगों ने 2022 के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की लोकप्रियता व कार्यकुशलता के कारण और इस बिगड़ते मौसम को देखते हुए लोगों का तांता लगा रहा। भीड़ इतनी जबरदस्त रही कि बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गईं। लोगों ने खड़े रहकर वक्ताओं को सुना। वक्ताओं के वाक्यों पर पूरा का पूरा जनसैलाब। जब समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते तो मानो ऐसा लगता है कि इंटर कॉलेज की दीवारें हिल रही हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।